हेलो डियर लवली स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक के नंबर वन यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक जेई क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, हम बिना देरी करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो आ गए, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हुक्स ला एसेंशियली डिफाइंड। जो हुक्स ला होते हैं किसके लिए डिफाइंड होते हैं? ए में दिया स्ट्रेस, बी में दिया स्ट्रेंथ, सी में दिया एल्ड पॉइंट और डी में दिया इलास्टिक लिमिट। तो आप जानते हैं हुक्स ला जो होते हैं इलास्टिक लिमिट के लिए डिफाइंड होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लोचदार सीमा। इलास्टिक लिमिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोचदार सीमा। यस, जानते होंगे आप लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर व्हिच हुक्स ला होल्ड गुड इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है? प्रतिबल का वह अधिकतम मान क्या है, वैल्यू क्या मैक्सिमम, तो क्या अधिकतम मान जिसके लिए हुक जो हुक ला होते हैं वो अच्छा कहलाता है, जिसका धारण अच्छा कहलाता है, तो इसको भी क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी लिमिट, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर देखिए जैसे ही आपको हुक्स ला पूछे, ऑप्शन दिया इलास्टिक लिमिट, मार दीजिएगा इलास्टिक लिमिट, सही चल जाएगा। 90% क्वेश्चन सही चल जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना हुक्स ला इलास्टिक लिमिट, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यंग्स मॉड्यूल्स फॉर अ क्या चीज, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इसका आंसर दीजिए आप लोग। यंग मॉड्यूल्स फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए यंग्स ला तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होंगे राइट आंसर। यंग्स ला क्या है? जो यंग्स मॉड्यूल्स हैं वो होते हैं क्या, रेशियो, इसको यदि बोला जाए तो यह क्या जी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के क्या रेशियो होते हैं। आप लोग जाएंगे पढ़ेंगे सब्जेक्टिव तो आपको मिलेगा यह पढ़ने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज फॉर अ गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील। इसका आंसर दीजिए आप लोग। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज फॉर अ गिव स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस इन स्टील इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए समझते हैं। जो स्टील रबर की तुलना में अधिक लोचदार, यदि लोचदार क्योंकि किसी दिए गए तनाव स्टील में उत्पन्न तनाव, इसको क्या है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसको हो जाएगा लेस देन इन रबर, मतलब क्या लेस देन इज रबर, रबर से कम, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, यंग्स मॉड्यूल्स जिसको हम बाई से सूचित करते हैं, बुल्क मॉड्यूल्स जिसको हम के से सूचित करते हैं, एंड मॉड्यूल्स ऑफ रेगटली क्या चीज, रेजिटली जिसको हम ए से सूचित करते हैं, आर रिलेटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा 1/2 बराबर 1/3 n+1/9 का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। व्हिच ऑन द फ्लोइंग सब्सटेंस क्या चीज प्रोसेसिंग द हाइएस्ट इलास्टिसिटी, इसका आंसर दीजिए। हाइएस्ट इलास्टिसिटी इसका क्या हो जाएगा? स्टील का होता है हाईएस्ट इलास्टिसिटी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए वायर इज द स्ट्रेस
टू डबल इट्स लेंथ इट स्ट्रेन इज। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किसी तार को यदि खींच कर उसकी लंबाई क्या कह रहा है वायर क्या जी डबल कर दिया जाए तो उसका स्ट्रेन कितने गुने हो जाएंगे, इसका क्या होगा राइट आंसर। तार की लंबाई को हम लोग खींच के डबल कर देंगे तो उसका स्ट्रेन यानी घींच कितने गुना हो जाएंगे। उसका क्या होगा राइट आंसर, उसका हो जाएगा ए एक गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ ए वायर का जी नॉर्मलिटी इक्वल टू द स्ट्रेस ईच विल, इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका हो जाएगा बी डबल द लेंथ ऑफ द वायर, बी होगा राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है ए वायर बी ब्रोकन वाई द अप्लाइंग अ लोड क्या चीज लोड ऑफ 20 kg वेट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ ट्विस्ट द डायमीटर इज, इसका क्या होगा राइट आंसर। एक तार को देखिए, एक तार को क्या 20 kg भार लगाकर क्या चीज तोड़ा जा सकता है, एक तार है जिसको 20 kg भार लगा के उसको तोड़ दिया जाता है तो तार को दो बार तोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है टू ब्रेक यानी दो बार तोड़ने के लिए आवश्यक बल कितने बल की आवश्यकता होगी, इसका आंसर दीजिए आप लोग। नॉर्मिकल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, आप सभी लोग जो कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा नॉर्मिकल क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 160 kg वेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है, स्ट्रेस इज डिफाइंड, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम डिफाइन किससे करते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। स्ट्रेस जानते हैं ना, यस स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं दाब, दाब बराबर हिंदी में जानते हैं बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है ना दाब बराबर। यहाँ पर देखिए डिस्टिंग फोर्स ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया ये भी सही होगा, ये भी देखिए फोर्स अपॉन एरिया ये भी सही हो जाएगा, डिफोंडिंग फोर्स डी में दे ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एरिया होगा, यहाँ पर छूट गया है क्वेश्चन बैंक में, यहाँ पर भी एरिया होगा, इसका हो जाएगा डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मतलब क्या होता है बताएं हैं आप लोग, स्ट्रेस मतलब क्या होता है दाब, तो दाब का दाब और स्ट्रेन मतलब तनाव, तनाव तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, तब मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट व्हिच ए बॉडी इंक्रीज इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड, इसका क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 हुक्स ला, हुक्स ला जानते होंगे, हुक्स ला होल्ड गुड अप टू, देखिए हुक्स ला जो हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में हर बार पूछ लेते हैं, इस बार भी पूछ लेंगे शायद, तो आप लोग हुक्स ला हमेशा याद रखिएगा, तो हुक्स ला होल्ड गुड अप टू, इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए, बीच में दिया है रिक्त स्थान, वेयर क्या चीज इलास्टिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इसका क्या हो जाएगा बॉडी यहाँ पर हो जाएगा बॉडी वेयर इलास्टिक द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए होगा राइट आंसर, ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माल्ड स्टील इज द अप्रोक्सीम क्या चीज मैटर इक्वल टू, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2.1 × 10⁶ kg बटा सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 हम लोग देखते हैं,
यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन, सब्सटेंस डिपेंड ऑन इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द दिस, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। जो यहाँ पर देखिए बोला यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ सब्सटेंस डिपेंड, जो यंग्स मॉड्यूल किस पर डिपेंड करता है आप लोग याद रखेंगे, तो डिपेंड किस पर करता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो है नहीं, इस पर डिपेंड करता है जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, नन ऑफ द दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर प्रोपेल्टी क्या जी रिजिड बॉडी इज, इसका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, देखिए क्या देयर आर, बीच में दिया है रिक्तस्थान मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, इसका हो जाएगा वन मोल कची मॉड्यूल वन होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए 19 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन होल्ड गुड इन रिएक्शन विथ वुल्क मॉड्यूल्स, दोनों में रिएक्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए वाला क्या बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आज 20 क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे। देखिए द दिस यहाँ पर देखिए क्या है, द डिस्प्यूट ऑफ द बुल्क मॉड्यूल्स इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो आज हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 20 से आगे देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।